हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी। मैं सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स का वृत्त वाले चैप्टर का हम लोग चैप्टर नंबर फाइव वृत्त का इसमें प्रश्नवाली को सवाल को हल करेंगे। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस प्रत्येक सवाल को हल करना शुरू करते हैं। ये वही सवाल है जो हम लोगों ने क्रियाकलापों में सीखा हुआ है। अब इन्हीं सवालों को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्नवाली। एक्सरसाइज नंबर फाइव है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त बनाइए त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर का, त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर का, त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर का, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर का लेकर हमको वृत्त बनाना है। उसके बाद फिर इसमें भी वृत्त बनाए, लेकिन ये व्यास दिया है, तो व्यास का हम लोग कैसे करते हैं उसको भी इसमें सीखेंगे। चलिए इस माप का पहले वृत्त बना लेते हैं। चलिए हम लोग अब इसकी वृत्त बनाना शुरू करते हैं। मापते हैं 2 सेंटीमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 2 सेंटीमीटर पहले हम लोग इसको मापेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग इस प्रकार से ऐसे मापे और उसके बाद फिर इसमें वृत्त बनाना शुरू कर देंगे। ये 2 सेंटीमीटर मापे, यहाँ से हम लोग वृत्त बना दिए। ये 2 सेंटीमीटर का वृत्त है, ठीक है। इस प्रकार ये 2 सेंटीमीटर का वृत्त बना, ठीक है। ये केंद्र बिंदु है। इस प्रकार ये कितना बना, 2 सेंटीमीटर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को मापेंगे, 3.5 है, तो 3.5 में हम लोग यहाँ पर ये 5 में रखे। उसके बाद फिर इस प्रकार ऐसे नाप लिए। नापने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग इसका बनाते हैं वृत्त 3.5 का। ये देखिए 3.5 का यहाँ पर वृत्त बना, ये 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 4.2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर हम लोग 4.2 में रखेंगे नोक को और ऐसे मापेंगे और यहाँ पर शुरू कर देंगे 4.2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना। आपको नोक बस को गड़ा के रखना है, हिलाना भी नहीं है थोड़ा भी, नहीं तो वो नहीं बनेगा। फिर ये केंद्र बिंदु, ये 4.2 सेंटीमीटर का बना। अब वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर पहले माप लेते हैं। ये देखिए 5 है ये, और ये यहाँ पर यहाँ। अब ये यहाँ पर तो पूजेगा नहीं, यहाँ पर पूज सकता है। हाँ, यहाँ पर पूज जाएगा ये। तो इस प्रकार हम लोग पूरा ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का ये बन गया। ये देखिए 5 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या बन गया, 5 सेंटीमीटर के वृत्त। देखिए ये चारों वृत्त 5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर का और ये 3.5 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला वृत्त बन गया। इसी प्रकार के वृत्त आपको भी बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वृत्त बनाइए व्यास। अब हम लोग जानते हैं कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दोगुनी होती है, जिसमें हम लोगों को त्रिज्या ला करके फिर इतने व्यास का बनाना है, तो इसका माप फिर इतना आ जाएगा। तो इसको पहले हम लोग हल करेंगे, उसके बाद फिर इसमें वृत्त बनाएंगे। चलिए इसको भी बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इतने व्यास का हम लोगों को वृत्त बनाना है। अब हम लोग जानते हैं व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दोगुनी होती है, मतलब कि हमको माप आधा लेना है, उसके बाद फिर हम लोगों को वृत्त बनाएंगे तो इतने व्यास का बन जाएगा। 3 है, 3 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 को 2 से भाग देंगे तो 3 × 3, ठीक है, 3×5 = 15। तो मतलब 1.5 का हम लोगों को क्या करना है, त्रिज्या लेना है, 1.5 का त्रिज्या। इसका आधा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का, और 6.8 का कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर देते हैं, 6.8, 2 × 3 = 6, 2×4 = 8.3, 3.4 इसकी त्रिज्या हो जाएगा। उसके बाद फिर 7.4 का फिर 2 से हम लोग इसको भाग कर देंगे, तो 3×2 = 6 और 3×7 = 14, तो मतलब 3.7 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब इस माप का हम लोगों को एक वृत्त बनाना है, तो ये पूरे ये 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर व्यास की त्रिज्या बन जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं।
पहले 1.5 हमें त्रिज्या लेना है, तो फिर 3 सेंटीमीटर का बन जाएगा। 1.5 हम लोग माप लिए और यहाँ पर हम लोग वृत्त बना देंगे। छोटे वृत्त को बनाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, क्योंकि उसको घुमाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ पर ये केंद्र हुआ, केंद्र ये हुआ। ठीक है, इतना क्या हुआ, 1.5 हो गया। अब इसके चलिए पूरे व्यास को मापते हैं कितना हो रहा है। इसके पूरे व्यास को माप रहे हैं, 3 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं। देखिए एकदम से फिट ये 3 सेंटीमीटर आ गया। व्यास इसका कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। और त्रिज्या हम लोग कितना लिए हैं, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग ऐसे ही आधा करके ही बनाना होगा। फिर उसके बाद फिर इसको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, 3 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर के व्यास का वृत्त बन जाएगा। तो ये लिए हम लोग 3 सेंटीमीटर, यहाँ पास हम लोग बना देते हैं इसका वृत्त। वृत्त बना दे रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, अब ये त्रिज्या हम लोग लिए हैं 3 सेंटीमीटर का, इसका व्यास बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको पूरा लाइन खींच देते हैं इसके व्यास को। अब व्यास वाले हम लोग पूरा व्यास खींच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका पूरा माप, ये देखिए 6 आ रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है नोक की वजह से। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गया इसका व्यास हो गया। उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 3.4 का बनाएंगे, तो 3.4 ये है और इतना इसका बनाएंगे। यहाँ पर बना रही हूँ, तो 6.8 इतना हो गया। अब इसका व्यास खींचते हैं और माप के देखते हैं कि 6.8 हुआ है कि नहीं। ये देखिए एकदम फिट आ रहा है 6.8, आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप खुद से बना के देख लीजिए। 6.8 सेंटीमीटर व्यास और 3.4 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है 7.4 का हम लोग आधा किए, 3.7 हुआ है। तो यहाँ पर अब इसकी त्रिज्या ले रहे हैं हम लोग इतना, तो 7.4 का आ जाएगा ये पूरा। अब इसको हम लोग बना रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार हम लोगों ने बना लिया। इसको केंद्र कर देते हैं, अब इसको यहाँ से खींच देते हैं और मापेंगे हम लोग व्यास को कि 7.4 हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए एकदम फिट इसका माप आ रहा है, 7.4 हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि त्रिज्या वाली वृत्त आपको त्रिज्या से बनाना है और व्यास वाले वृत्त को आपको पहले आधा करना होगा, तभी ही आप लोग फिर इसको त्रिज्या ले के वृत्त बनाएंगे तो उतने व्यास का वो बन जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 6.4 सेंटीमीटर की एक जीवा खींचिए। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के 6.4 की जीवा खींचना है। एकदम सेम ऐसे ही 3.2 की त्रिज्या लेकर वृत्त बनाना है, तो 6.4 का वृत्त बन जाएगा, यानी जीवा बन जाएगा। चलिए इसको भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 3.2 की त्रिज्या लेना है हम लोगों को, 6.4 का व्यास खींचना है, 3.2 की। ठीक है, 3.2 की त्रिज्या मैंने यहाँ पर लिया, इसको वृत्त बना रही हूँ। अब ये वृत्त मैं बनाई, अब इसके व्यास को माप कर देखते हैं जीवा को, यानी कि 6.4 हो रहा है कि नहीं। केंद्र से हम लोगों ने खींच लिया, अब इसको माप के देखते हैं, 6.4 देखिए एकदम से फिट 6.4 आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इनको बनाना है।
ठीक है, ये आ गया पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा कितनी है, 8 है, इसकी लंबाई कितनी है, 8 ही, ये भी सरल है, उसी जैसे एकदम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि 8 सेंटीमीटर जीवा वाले का एक त्रिज्या बनाइए, तो इसमें हम लोगों को क्या, जीवा वाले व्यास यदि दिया होता है तो उसको हमेशा आधा करना होता है, क्योंकि हमको त्रिज्या निकाल के ही वृत्त बनाना होता है। तो 8 सेंटीमीटर उसका व्यास था, उसका आधा कितना हो गया, 4 उसकी त्रिज्या होगी। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के हमको 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त बनाना है। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ उसको। ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गया, अब इसमें वृत्त बनाऊंगी। इतना हुआ, ठीक है, ये केंद्र बिंदु हो गया इसकी। अब यहाँ से हम लोग खींच देते हैं लाइन, और इसको माप के देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं। यहाँ से ये देखिए फिट एकदम 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर इसका पूरा पूरा हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें 5वां नंबर, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप कैसे, मैंने बताया था उसको, मैं आपको ज्ञात करके दिखाती कैसे बनता है परिमाप, ठीक है। इसमें क्या बोला है, त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप हम लोग जानते हैं, परिमाप वृत्त का परिमाप बराबर 2πr होता है। यहाँ पर 2 × π का मान 22/7 होता है, गुणे त्रिज्या कितना है, 7 है। अब इसमें 7 7 ऊपर नीचे कट गया, 22 × 44, या क्या, ये क्या हो गया, परिमाप निकल गया। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व, इसी प्रकार से आपको परिमाप निकालना है, और मैंने बहुत सारे परिमाप आपको क्रियाकलाप में बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए व्यास बराबर 2 × r, क्योंकि व्यास हमेशा त्रिज्या की दोगुनी होती है। दूसरा, वृत्त के 2 व्यास केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो वृत्त के व्यास 2 व्यास, भाई वृत्त है, अब इस प्रकार वृत्त होता है, इसमें ये व्यास केंद्र पर क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है। फिर तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। फिर चौथा, व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो व्यास क्या होती है, वृत्त की यहाँ पर केंद्र होता है, केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद चौथा, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, तो केंद्र से किसी परिधि को, यहाँ से किसी परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। फिर छठवा है, सातवां, वृत्त में परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब देखिए केंद्र है, अब केंद्र से 2 लाइनों को, एक यहाँ से और एक यहाँ से लाइन को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, या फिर इसी को व्यास कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया, हमने सीखा को देख लेते हैं। पहला, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त कहलाती है। दूसरा, एक ही वृत्त की त्रिज्या समान होती है, जी हाँ एकदम, हम लोगों ने देखा था फर्स्ट क्रियाकलाप, सेकंड क्रियाकलाप में त्रिज्या समान होती है, चाहे कहीं से भी हम लोग मिलाएं, मतलब कि ये है, यहाँ से ये भी, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये सही, सभी की लंबाई क्या होती है, एक समान होती है। फिर तीसरा, वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, तो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को, एक बिंदु ये इधर और इधर मिलाने वाले क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। फिर चौथा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये है, व्यास होती है, जो वृत्त की केंद्र से होकर गुजरती है। फिर पांचवा, किसी भी वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हम जानते हैं ये वृत्त है, इसकी आधी त्रिज्या है, और इसका व्यास इसकी 2 गुनी होती है। फिर छठा, वृत्त के परिमाप तथा व्यास का अनुपात सदैव स्थिर होता है, तो वृत्त का परिमाप भागित और उसका व्यास हम लोग करते हैं तो उसका मान हमेशा स्थिर होता है, मतलब एक ही आता है, जो हम लोगों ने क्रियाकलाप नंबर 4 के टेबल में पढ़ा था कि परिमाप भागित व्यास का जितना भी आंसर आया था सारे एक समान के आंसर आए थे।
इस स्थिरांक को पाई कहते हैं, तो यही स्थिरांक क्या कहलाता है जो उसका सेम उत्तर आता है उसको पाई कहते हैं, जिसका मान 22/7 या 3.14 के लगभग बराबर होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो में वृत्त के बारे में जो कुछ भी जानकारी आपको दी गई है वो जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वृत्त बनाना, त्रिज्या क्या होता है, बिंदु क्या होता है, वृत्त का व्यास, जीवा क्या होता है, वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर प्लीज़ नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही गणित के क्लास 6वीं के बेसिक सवालों से रिलेटेड और पूरे पूरे एक थ्योरी से रिलेटेड सवाल आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहें। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।